हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फ्रेंड, डोंट स्किप दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपरली विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए शुरू करते हैं। बात करें अगर हम ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये एक एंटिटी है जो ऑपरेट करती है अक्रॉस द नेशनल बाउंड्री and is characterized by the members from one state, from more than one state. It can be economic, voluntary or non-governmental entity. Transnational organization जो है एक entity है जो कि national boundary से operate करती है, across all the national boundary से operate करती है। एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसके जो मेंबर हैं वो एक से ज़्यादा अलग अलग स्टेट से होते हैं। ये इकोनॉमिक भी हो सकती, नॉन गवर्नमेंटल भी हो सकती एंड वॉलेंट्री भी हो सकती। इसके एग्जांपल से समझते हैं कि ये क्या कह रही है, क्या होती है ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल के बाद आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे मेरी वर्डिंग से। एग्जाम्पल इसके आप कोका कोला, एप्पल, मैकडोनल्ड, नाइकी, ये सब आप इसके एग्जांपल में कंसीडर कर सकते हैं। नाउ होप करता हूँ फ्रेंड अब आपको क्लियर हुआ होगा कि यस, व्हाट इज द ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसनेशनल, बिकॉज मोर देन वन नेशन अक्रॉस ऑल द नेशनल बाउंड्री दे आर इंक्लूडेड, पीपल आर वर्किंग फ्रॉम मोर देन वन स्टेट। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्रांसनेशनल? The basic feature of transnational are that they are large and have the centralized control based on their home country. बहुत ही लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, आप एग्जाम्पल से ऊपर देख सकते हैं। दे आर द बिग ऑर्गेनाइजेशन, बट येस, कंट्रोल ये एक ही किसी जगह से होंगे, अपने होम कंट्री से। द ओनर, द फाउंडर ऑपरेट फ्रॉम द होम कंट्री। They have a centralized base control over there, yet they are the large organization. Hope करता हूँ friend आपको transnational organization clear हुआ होगा। क्या होती है transnational organization? इसकी features क्या होती है? For any query, do comment, subscribe for more.